नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं आपको ये चना जोर गरम नमकीन बनाना बताऊंगी। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान होता है, बस हमें बहुत ही कम सामग्री चाहिए होती है। बहुत ही आसानी से ये नमकीन बनके तैयार हो जाती है और लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, चाय के साथ आप इसे सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये चना जोर गरम बनाने के लिए हमने ये बड़े वाले काले चने ले लिए हैं। तो हमने इसे ओवरनाइट सोख करके रखा था, हमने इसे धो के पानी में भिगा के रखा था। ये अच्छे से भीग गए हैं, हम इसे डाल देते हैं कुकर में क्योंकि हमें इसे उबालना है। इसके साथ ही हम इसमें एक कप पानी और एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। हमने एक कप चने को भिगा के लिया है, तो हम इसे एक सीटी आने के बाद थोड़ा धीमी आंच पर हमने इसे पका लिया है। ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं चने। अब हम इसे छान लेते हैं, तो इसका पानी हम फेंक देंगे और चने को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए, ये ठंडे होके ये चने हमारे ऐसे हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे प्रेस करके और इसको फ्लैट कर लेते हैं। तो हमने ये हमारा लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड है उसे हमने ले लिया। हमारे पास दो चॉपिंग बोर्ड है, तो एक को हमने नीचे रखा है और एक को ऊपर। तो आपके पास अगर एक ही बोर्ड है तो आप उसके ऊपर कोई थाली से या प्लेट से, किसी कांच की प्लेट से, कुछ हैवी हो उससे आप इस तरह से दबा सकते हैं। तो हमारे पास दो बोर्ड हैं, हम तो दोनों बोर्ड का हम यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक बोर्ड को हमने एक के ऊपर एक रखा और बीच में चने रख के हमने हल्के से इसे दबाया, तो ये देखिए कितनी आसानी से एक साथ बहुत सारे चने बन गए। ये देखिए, हमने सारे चने इस तरह से फ्लैट करके दबा के और इसे प्लेट में रख दिया है। तो अगर आपने इसे रात में बनाया तो आप इसे ओवरनाइट पंखे के नीचे इसी तरह से सूखने दें, और अगर दिन में बनाया तो आप इसे धूप में रख दें। 2-3 घंटे की धूप में ये अच्छे से एकदम सूख के क्रिस्पी हो जाते हैं। तो हमें इसे अच्छे से धूप में सुखा लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं सुखाना है। बस ये देखिए, इस तरह से ये सूख के हो गए, हमने इसे पंखे में ही सुखाया है। तो हमने रात भर इसे ऐसे ही छोड़ दिया था पंखे के नीचे, ये सूख के इस तरह से तैयार हो गए। तो हम इसके लिए मसाला देख लेते हैं। हमने ये आधा छोटा चम्मच सफेद नमक, आधा छोटा चम्मच हमने काला नमक लिया है। तो दोनों नमक मिला के एक छोटा चम्मच है। ये हमने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, आमचूर लिया है, पेपर पाउडर हमने लिया है और आधा छोटा चम्मच हमने ये लाल मिर्च ली है। तो ये सारी चीजें हम मिक्स करके इसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम ये फ्राई करके, चना जोर गरम हम इसे फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो तेल हमने ये गरम होने के लिए चढ़ा दिया है, अच्छा गरम हमें तेल चाहिए इसके लिए। तो तेज आंच पे ही हम इसे तलेंगे क्योंकि ये अच्छे से बॉईल करे हुए हैं, सूखे हुए हैं। बस हमें थोड़ा सा ही इसे फ्राई करना है, बहुत देर नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो बस तेज आंच में हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस तरह से हम इसे बस तेज आंच में डालेंगे, 2-3 मिनट में ही ये अच्छे से सूखे हैं क्योंकि, तो अच्छे से 2-3 मिनट में ही ये फ्राई हो जाते हैं। तो जो फ्राई हो गए हम इसे निकाल लेते हैं, किसी हम जाली के ऊपर इसे निकाल लेते हैं जिससे एक्स्ट्रा तेल सारा निकल जाए। तो इसी तरह से हम सारे चनों को फ्राई करके निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं। देखिए सारे चने हमने फ्राई कर लिए हैं और देखिए हमने इसे जाली के ऊपर रखा था, तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो इस तरह से नीचे निकल गया है। अब हम इसे किसी बर्तन में डाल लेते हैं और इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो ये सारे मसाले जो हमने लिए थे इसमें हम मिला देते हैं, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और बस ये हमारा चना जोर गरम बनके तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट, क्रंची, एकदम क्रिस्पी ये बना है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे जरूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू।